नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजा अवस्थी और आज के इस टॉपिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज का टॉपिक बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं एपर्चर के ऊपर। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हेडशॉट लेते होंगे, हेडशॉट यानी यहाँ तक का जो हम फोटोशूट करते हैं उनको या बहुत सारे जो फोटोग्राफर्स हैं उनको ये प्रॉब्लम होती है कि भाई वो जब हेडशॉट शूट करते हैं तो उनका एपर्चर वैल्यू क्या होना चाहिए, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि हम 1.8 में शूट करें या 2.8 में शूट करें या 5.6 में शूट करें तो क्या एपर्चर आपको शूट करना चाहिए जब आप एक हेडशॉट पोर्ट्रेट ले रहे हो। तो आज हम देखते हैं कि किस तरीके से हेडशॉट पोर्ट्रेट लेने के समय हमको एपर्चर क्या रखना चाहिए, किस एपर्चर में ज्यादा शार्पनेस आता है, कौन सा एपर्चर में हमें ज्यादा स्मूथ और ब्लरी पिक्चर मिलती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज इस शूट को कंप्लीट करने में, यानी कि आज के इस टॉपिक को कंप्लीट करने में हमारे साथ हैं नोमेश, जो कि हमारे द वेडिंग आर्ट टीम के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिनेमेटोग्राफर हैं। मैं आपको आज बता दूं, इससे पहले मैंने इनका इंट्रोडक्शन आपसे कराया था कि ये हमारे लिए मॉडलिंग करते हैं, बट ये मॉडलिंग नहीं करते हैं, ये हमारे टीम द वेडिंग आर्ट के एक बहुत इंपॉर्टेंट मेम्बर है। तो आज मैं इन्हीं के साथ आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम एक हेडशॉट अच्छे से लेते हैं। नोमेश साहब रेडी है? जी रेडी। ओके, तो कुछ चीज़ें मैं आपको पहले बता दूं कि फिलहाल इस एपिसोड के लिए मैं जो कैमरा यूज़ कर रहा हूँ वो है निकॉन का D750, जो कि एक फुल फ्रेम सेंसर वाला कैमरा है। साथ ही मैं लेंस यूज़ कर रहा हूँ 85mm 1.8, जो कि स्पेशली क्लोजअप लेंस कहलाता है। तो हम क्योंकि पोर्ट्रेट शॉट ले रहे हैं तो मैं इसीलिए पोर्ट्रेट लेंस का इसमें यूज़ कर रहा हूँ। अब मैं इसमें दो आपको पिक्चर्स लेके दिखाऊंगा, एक मैं लूँगा 1.8 में, दूसरा पिक्चर्स मैं लूँगा 5.6 में। इसके बाद हम एनालिसिस करेंगे कि क्या बेटर रिजल्ट है और किस एपर्चर में हमको मोस्टली शूट करना चाहिए। फिलहाल ये शूट करने से पहले मैं अभी आपको अपने कैमरे की सेटिंग पहले बता दूं। कैमरे की सेटिंग है, मैंने जो एपर्चर रखा हुआ है वो है 1.8, ISO मैंने रखा हुआ है 100 का, वाइट बैलेंस मैंने ऑटो वाइट बैलेंस रखा हुआ है क्योंकि मैं विदाउट फ्लैश शूट कर रहा हूँ और ओपन एटमॉस्फेयर में शूट कर रहा हूँ, यानी कि मैं एक आउटडोर पोर्ट्रेट शूट कर रहा हूँ। उसके अलावा मैं रखा हुआ हूँ, मेरी जो शटर स्पीड है फिलहाल मैं निडिल के अकॉर्डिंग रखूँगा, तो वो मैं आपसे शेयर करूँगा कि मैं क्या निडिल सेट कर रहा हूँ और क्या मेरी शटर स्पीड आ रही है। फिलहाल बैकड्रॉप के रूप में एक सिंपल सा पीछे ईट रखे हुए हैं, ईट भट्टा है यहाँ पे, तो हम वहीं पर शूट के लिए आए हैं। और यहाँ पे मैं क्लोज शॉट लूँगा, पीछे थोड़ा सा ब्लरी मुझे चाहिए बट मैं थोड़ा टाइट लूँगा क्योंकि ये एक हेड शॉट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं इनका नोमेश जी का बिल्कुल यहाँ से टाइट क्लोजअप लूँगा, यानी कि यहाँ से मैं सिर्फ इतने पार्ट को कवर करूँगा और उसके बाद हम देखते हैं कि कैसा रिजल्ट आ रहा है। तो फिलहाल मैंने सेटिंग आपको बताई, अब मैं ये शूट करता हूँ। एक नोमेश यहाँ फ्रंट पर देखना, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने एक इमेज शूट कर ली है, एक फ़ोटो जो मैंने 1.8 में शूट किया है। अब मैं इसी फोटो को 1.8 से बढ़ा के, इसका एपर्चर वैल्यू बढ़ा के 5.6 में करता हूँ और फिर हम देखते हैं कि इसकी क्वालिटी में या इसके शार्पनेस में क्या फ़र्क आता है। फिलहाल मैं एपर्चर 5.6 का यहाँ पे कर रहा हूँ और 5.6 का एपर्चर करने के साथ ही साथ मेरा जो शटर स्पीड है वो चेंज होगा क्योंकि अब इसका जो मीटरिंग है वो चेंज हो जा रहा है। तो इसे मैं चेंज करता हूँ, मैं शटर स्पीड थोड़ा कम कर रहा हूँ। इससे पहले जो शटर स्पीड थी मेरी 640 के आसपास थी और अब जो शटर स्पीड आ रही है वो 125 के आसपास आ रही है और अब हम देखते हैं कि क्या रिजल्ट में फ़र्क आता है। तो अभी थोड़ा सा मुझे और कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों अभी मैंने दोनों फोटोज ले ली है, अब हम पीसी पे चलते हैं और देखते हैं कि इसका क्या रिजल्ट है और क्या इसमें क्या होना चाहिए, क्या बेटर डेप्थ होना चाहिए और क्या क्या चीजें आपको पोर्ट्रेट में ध्यान रखनी है। आइए अब चलते हैं हम अपने पीसी की तरफ। तो दोस्तों अभी आपने देखा कि हमने किस तरीके से एक हेडशॉट लिया और हेडशॉट में हमने 1.8 में और 5.6 में शूट किया। आइए अब हम देखते हैं कि कौन सी इमेज हमें ज़्यादा बेटर रिजल्ट देती है। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये DSC 2106 और DSC 2108। मैं फ़िलहाल JPEG फाइल खोल रहा हूँ अभी ताकि आपको दिखा सकूं, क्योंकि मुझे अभी इसे एडिट तो नहीं करना है इसलिए मैं आपको इसकी JPEG फाइल खोल के ही शो करता हूं। तो ये दोनों फाइलें मैंने खोल ली है, आइए अब अपन देखते हैं। ये दोनों फाइलें ओपन हो रही है और हम देखते हैं कि किसका रिज़ल्ट ज़्यादा बेटर है और आपको कौन से एपर्चर में
एग्जैक्टली शूट करना चाहिए, इस टॉपिक पे हम बात करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख, हम कंपेयर साइड बाय साइड कंपेयर करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ और आपको भी स्क्रीन में आई होप बहुत ही क्लियरली दिख रहा होगा कि ये जो इमेज है ये है 50 mm 1.8 की, और ये जो है ये है आपकी 5.6 की। लेंस मैंने चेंज नहीं किया है, बट अगर अब हम देखने की कोशिश करें इस 5.6 वाले अपर्चर वाले फ़ोटो को मैं ज़ूम करता हूं और यहां पे 1.8 अपर्चर वाले फ़ोटो को मैं ज़ूम करता हूं, तो देखिए क्या क्या परेशानियां आ सकती है। देखिए यहां पे क्या है, जो 1.8 अपर्चर में जब हमने जो फ़ोटो ली थी वो उसमें हमारा फोकस शायद थोड़ा सा इस जोन पे आ गया है जल्दबाजी में, तो इसके कारण क्या होगा, जहाँ पर भी हमने फोकस किया एग्जैक्ट वहीं पर ही शार्प है और बाकी का जो उसके बाजू का भी जो हिस्सा है वो बिल्कुल भी, चूँकि हमारा बड़ा अपर्चर था इसलिए वो ब्लर हो गया है, तो ये एक मिस्टेक है। हाँ, इसमें बैकग्राउंड ब्लर कुछ ज़्यादा अच्छा है, बट अगर हम शार्पनेस की बात करें तो कायदे से आप ये देख सकते हैं कि इसमें शार्पनेस जो है वो 5.6 वाले के तुलना में काफ़ी कम है। तो अगर अब आप इसे एडिट करने जाएं सपोज़, तो आप इसे ज़्यादा बेटर तरीके से एडिट कर सकते हैं। रही सही बात पीछे बैकग्राउंड ब्लर होने की, तो दोस्तों जब भी हम हेडशॉट या ब्यूटी हेडशॉट्स लेते हैं तो वैसे भी हम बैकग्राउंड के ऊपर ज़्यादा फोकस्ड नहीं होते हैं, क्योंकि हमारा मेन फोकस्ड होता है हमारे मॉडल के, हमारा जो सब्जेक्ट है उसके फेस पे, उसके फेस की सारी चीज़ें क्लियर आनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देखिए कि इसकी आइज़ भी शार्प हैं एंड इसके ये जो एजेस हैं ये एजेस भी कुछ हद तक शार्प हैं, और इस पर हम बहुत अच्छा एक काम कर सकते हैं, एक रिटचिंग कर सकते हैं। तो ये आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि जब भी आपको हेडशॉट्स लेने हैं या क्लोज शॉट्स लेने हैं तो आपको 1.8 अपर्चर की आवश्यकता आई थिंक नहीं है, क्योंकि मैं जब भी क्लोज शॉट्स लेता हूं तो मैं बिग अपर्चर पे नहीं लेता हूं, मैं थोड़ा अपर्चर बढ़ा के लेता हूं। उसका रीज़न ये है कि जब आप अपर्चर बढ़ा के लेते हैं तो आपको शार्पनेस जो है वो बेटर मिलती है, और चूंकि मुझे बैकग्राउंड ब्लर से ज़्यादा मतलब नहीं होता है जब मैं हेडशॉट लेता हूं, सो दैट्स वाई मैं हमेशा 5.6 या 3.5 से ऊपर का अपर्चर ही अप्रोच करता हूं, और मैं उसी अपर्चर पे खींचता हूं। जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं कि भाई आपने बिल्कुल स्मूथ फ़ोटो ले ली बट वो फ़ोटो शार्प नहीं है, या तो फिर आपको आपको बहुत दिक्कत जाएगी। इन द केस अगर हमने 1.8 में यहां पे हमारा फोकस हुआ होता, ठीक है, तो भी ये फ़ोटो यहाँ से बिल्कुल ब्लर होनी स्टार्ट हो जाती है, यानी कि फिर क्या होता है, हमारी जो एजेस है, देखिए एजेस आपको कितने अनशार्प दिख रहे हैं बहुत, जबकि अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो यहाँ पे जो एजेस हैं वो इसके अकॉर्डिंग काफ़ी शार्प हैं। और हमेशा एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि अपर्चर को बहुत ही स्मार्टली प्ले करना है, जिससे आपके इमेजेस में काफ़ी फ़र्क आता है, कब कौन से सिचुएशन पे कितना अपर्चर रखना है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये आपको प्रैक्टिकल करते रहना चाहिए कि भाई मैं फुल लेंथ की फ़ोटो लूँ तो क्या मैं 8 का अपर्चर रखूँ, या मैं हाफ़ फ़ोटो लूँ तो क्या मैं 1.8 या 2.8 रखूँ, किस कंडीशन पे 1.8 रखूँ, किस कंडीशन पे 2.8 रखूँ, ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। आई थिंक आपके पास कैमरा है और कैमरे से बढ़ के हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ फटाफट लाइक कर दें, जो नए भाई हैं वो तुरंत सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स कर दें, ताकि हमें ये पता चलता रहे कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लग रहे हैं। तो दोस्तों आज का ये ट्यूटोरियल देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।